और ब्रिक्स समिट चल रही है, क्या कहेंगे आप, कितनी इम्पोर्टेंट है ये भारत के लिए और इस वक्त तक की क्या उसकी खबरें हैं कि कहाँ तक आगे बढ़ी। अब खैर ये तो देख ही रहे कि मोदी जी वहां पे मौजूद हैं, और जैसे कल भी बात हो रही थी कि उनके सामने जो है वो चाइना भी है और उनके सामने रशिया भी है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, ऐसा है कि एक चर्निंग चल रही है दुनिया भर में, क्योंकि वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर जो था, यूनाइटेड नेशन लेड, WTO लेड, IMF और दूसरे जो सिस्टम थे, दुनिया ने रशियन वॉर के बाद ये महसूस किया कि वेस्ट के पास एक एक जिसे कह लीजिए डिस्प्रोपोर्शनेट पावर है, डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज है। और उसका रीजन ये है कि पूरी दुनिया जो है वो वेस्टर्न सिस्टम में फंसी हुई है। आपको पैसे लेने हैं तो IMF से में जाना पड़ेगा, आपको अगर ट्रेड करना है तो WTO के सिस्टम में आना पड़ेगा, आपको अगर इंटरनेशनल ट्रेड बायलेटरल भी करना है तो आपको डॉलर एज ए करेंसी यूज करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल सिस्टम में अगर एक देश से दूसरे देश में पैसे मंगवाने हैं तो भी आपको जो है वो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ स्विफ्ट और ये सब यूज करना पड़ता था। तो एक जिसे कह लीजिए कि अनफेयर एडवांटेज वेस्ट के पास था। दुनिया इस चीज से बाहर आना चाहती है और वेस्ट के सैंक्शंस भी आर्बिट्ररी हैं। जैसे अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, रीजंस नोन टू वेस्ट। उससे भी कई खराब देश हैं जो कि ईरान से भी खराब कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो वेस्ट के अलाई हैं तो उनको सब माफ है, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन राइट्स का एक सोशा पकड़ा हुआ है, जो भी देश इनको अच्छा नहीं लगता उस पर ह्यूमन राइट्स का इल्जाम लगाएंगे और उसके खिलाफ ये एक्शन ले लेंगे। तो वेस्ट की हेजेमनी से दुनिया परेशान थी और उसमें जो है एक मल्टीपल लीगल ऑर्डर जिसको कह लीजिए जिसके फोरम बन रहे हैं, लोग जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं वो साथ आकर के और ग्लोबल ट्रांजैक्शन को और स्मूथ बनाना चाहते हैं और आउटसाइड द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसमें ब्रिक्स जो है, हालांकि ब्रिक इटसेल्फ इज अ गोल्डमैन सैक्स के एक जिम ओनील या ऐसे कुछ जो इकोनॉमिस्ट थे उनका आइडिया था, क्योंकि उस समय की ये राइजिंग इकोनॉमीज थी, तो उन्होंने कहा कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना जो है और शायद साउथ अफ्रीका, ये इन पे नजर रखने वाली है। बिकॉज गोल्डमैन सैक्स एक रिपोर्ट बनाती है जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स उसको पढ़ता है और उसको ये पता होता है कौन से शाइनिंग स्पॉट्स हैं इकोनॉमी के जहाँ पे हमें जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जो इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, उनको ये ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका के ऊपर खासी नजर रखनी चाहिए। दो इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी व्हाट एग्जैक्टली इट वाज। तो यही है कि अब उसके बाद ब्रिक्स को जो है वो रशिया, चाइना और इंडिया ने पकड़ लिया और इनको कहा कि चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, कुछ नहीं हम लोग अपना बनाते हैं। और सो इस पर्पज इज इकोनॉमिक वेलबींग, इस पर्पज इज टू फाइनेंस ग्लोबल टेररिज्म एंड ऑल दैट। सो बहुत सारे डिस्कशन होते हैं इस मुद्दे पे। तो ब्रिक्स इज ट्राइंग टू बी अ ट्रूली ग्लोबल ऑर्डर रिप्रेजेंटिंग ऑल जियोग्राफीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे लैटिन अमेरिका, यानी कि अमेरिकन ऑफ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, सदर्न हेमिस्फीयर है, तो अफ्रीका से भी रिप्रेजेंटेशन है, एशिया से भी रिप्रेजेंटेशन है, अमेरिका से भी रिप्रेजेंटेशन है। तो उस तरीके का एक ग्लोबल जो है वो ग्लोबल फोरम बनाना चाहते हैं, जैसे G7 है, G8 है, G20 है, इसके तर्ज पे भी बनाना चाहते हैं जिसमें कि जिसमें यूरोपियंस वेस्टर्न पावर ना हो। आप ये देखिए, ये जो ब्रिक्स है इसमें कोई भी वेस्टर्न पावर नहीं है, नॉट अ सिंगल वेस्टर्न पावर। तो दिस इज, अब द क्वेश्चन ये कि क्या ऐसा कोई इंटरनेशनल फोरम जिसमें वेस्ट ना बैठा हो, कुड दैट बी इफेक्टिव, कुड दैट बी इफेक्टिव। अब ये भी सोच दीजिए कि ब्रिक्स में आज 6 नए मेंबर जोड़े गए हैं, ठीक है ना, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और एक दो और कोई कंट्रीज है, और इन सारी कंट्रीज में एक भी वेस्ट नहीं है। सो ब्रिक्स इज टेक्निकली अ वेस्ट फ्री सोशल लीगल ऑर्डर, इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर। अब देखिए इसकी एफिकेसी क्या होती है, क्या ये ब्रिक्स को जो बाकी G7, G20, G8 इस टाइप के फोरम के रूप में बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ डज इट अनफोल्ड्स। लेकिन सर इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है? ये भी हमने कहीं सुना था कि पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत ऐसा नहीं होने दे रहा। ये इसमें कहां तक, इस बात में कहां तक सच्चाई है? अब ये हो भी सकता है बिकॉज मैं तो अब जैसे कह लीजिए बिहाइंड द सीन्स जो डिस्कशन चले होंगे उसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन चाइना ने पूरी जान तो लगाई होगी ना। चाइना को तो आप नहीं, रशिया भी है, चाइना भी है, तो सिर्फ इंडिया के कहने से तो नहीं हो जाएगा ना।
सी इंडिया नहीं चाह रहा है तो ब्राजील भी मान जाएगा, रशिया भी मान जाएगा, चाइना भी मान जाएगा, साउथ अफ्रीका भी मान जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। और अगर मुस्लिम कंट्री से प्रॉब्लम होती तो मुस्लिम कंट्री तो तीन आई हैं, तीन मुस्लिम कंट्रीज आई हैं, यूएई आया है, सऊदी अरेबिया आया है और ईरान आया है। यार ईरान और सऊदी अरेबिया एक फोरम में बैठेंगे, अब आप सोचिए जबरदस्त ये बात है। So, मैं भी तो यही कह रही हूँ सर, अगर ईरान और मैं भी तो सर यही कह रही हूँ, अगर ईरान और सऊदी अरब बैठ सकता है तो फिर पाकिस्तान और भारत क्यों नहीं? आपके ख्याल से कोई खास वजह होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं है इसमें? नहीं, पाकिस्तान होना क्यों चाहिए ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। क्या पाकिस्तान कोई मेजर इकोनॉमिक पावर है? क्या पाकिस्तान कोई मेजर सोशल कंट्रीब्यूशन दे सकता है? पाकिस्तान की एक न्यूसेंस वैल्यू थी दुनिया में टेररिज्म के वॉर के अगेंस्ट में, दैट पाकिस्तान प्रोवाइडेड मर्सिनरी, पैसा लेके लड़ने के लिए तैयार था। इससे ज्यादा आप खुद बताइए कि पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया को? क्या दिया है पाकिस्तान ने दुनिया को? कुछ नहीं दिया। आज इकोनॉमी वाइज आपका कोई फ्यूचर दिखता नहीं है, पॉपुलेशन आपकी ग्रोथ इतनी है जिसका कि कोई रोकने वाला नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके यहाँ पे है, सोशल पोलराइजेशन एक्सट्रीम पे आपके यहाँ पे है। सो पाकिस्तान को लाने का मतलब था कि जो ब्रिक्स के कंस्ट्रक्टिव मुद्दे थे वो रुक जाता, पाकिस्तान आता तो कश्मीर और ये एक को दूसरे के खिलाफ और इसके खिलाफ ले आना। सो मेरे ख्याल से छह लोग नए ऐड किए गए हैं, छह नई कंट्रीज ऐड की गई हैं, उसमें पाकिस्तान को नहीं लिया होगा तो एकदम यूनिसन से डिसीजन हुआ होगा, यूनानिमिटी के साथ डिसीजन हुआ होगा कि भाई नहीं लेना है। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो ब्रिक्स का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है प्रमोट पीस सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, पाकिस्तान इसमें कहाँ आता है? कहीं नहीं आता है। पाकिस्तान इज नॉट अ मेजर फोर्स। बिल्कुल सर, लेकिन सर खैर ऐसा तो नहीं है सर कि बिल्कुल कहीं भी ना आता हो, और जो है आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें अगर सिर्फ आप ये कह देंगे नहीं जी पाकिस्तान कहीं फिट होता ही नहीं, तो मैं तो है रहता पाकिस्तानी, ऑब्वियसली मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगी। और आई फील कि पाकिस्तान को भी इस तरह के जो है फोरम्स में होना चाहिए और इस तरह की जगह पे काम करना चाहिए और ऐड होना चाहिए एनीवे। लेकिन सर आपके ख्याल से अभी जो इस वक्त चल रही है वहां पे समिट चल रही है उसमें कोई खास एजेंडा जो आप समझते हैं कि ऐड हुआ है और जो कि पूरे रीजन के लिए हमारी साउथ एशिया या एशिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा? देखिए ऐसा है कि एजेंडा तो उसमें बिल्कुल बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन इस बार जो था उसमें मेन था कि ये जो आपका एडिशन ऑफ सिक्स न्यू कंट्रीज जो था ये एक बहुत बड़ा इशू था कि भाई इनको हम कैसे अंदर लें, क्योंकि एक्सपेंशन तो करना ही है ना उसका, तो उसके वो एक मेजर इनका इशू था। उसके बाद जो होते हैं बाकी इशूज कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद ये होगा कि अच्छा ठीक है अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, वो सब होंगे। बट द वन ऑफ द मेजर पॉइंट वॉज कि दे वॉन्टेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रिक्स, दे वॉन्टेड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, दे आर क्रिएटिंग अ वेस्टर्न फ्री सोशल एंड ग्लोबल ऑर्डर, जिसको कई लोग कहते हैं ग्लोबल साउथ या कई लोग कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज का एक फोरम बन रहा है। तो वो उसमें जो है कि आप देख लें उनका ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बताया जो चार मेन है, पीस है, सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इन्वेस्टमेंट को तरजीह देना है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब डिस्कस होगा उसमें इस साल भी यही पॉइंट्स होंगे। अब जब सबमिट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा जब वो डिक्लेरेशन आएगी कि क्या क्या डिस्कशन और क्या क्या रिजोल्यूशन लिए हैं आने वाले सालों में, क्या आने वाले 5 साल 10 साल के लिए क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। अच्छा आपने एक बात कही कि पाकिस्तान को होना चाहिए और ये वो, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अपना खुद से भी एक फोरम बना सकता है ना। पाकिस्तान ऐसा क्यों है कि वो, अगर मान लीजिए इंडिया हटा करके भी तो फोरम्स बनेंगे, एक भी कोई ऐसा फोरम नहीं है जो पाकिस्तान इनिशिएट कर रहा है, लाइक ओआईसी। ओआईसी इज अ पाकिस्तान क्रिएशन ना, ओआईसी को तो भुट्टो साहब ने बनाया था। तो आप दूसरा कुछ बना, आप इस्लाम के आगे सोच ही नहीं पा रहे, दिक्कत ये है। इस्लाम का सही आपने ओआईसी बना दी, अब आपका दिक्कत है मेरी आइडियोलॉजी क्या है, हम किसके साथ बैठे। तो आप वहां जाना चाहते हैं जहां इंडिया है, भाई हम कह रहे हैं इंडिया को गोली मारे, आप कोई और क्लब बना ले ब्रिक्स के जैसा कोई और बना ले जहां इंडिया ना हो, जैसे हम लोग बनाए। ये बेस्ट नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ बैठे सर, क्यों काहे के लिए हम इंडिया को गोली मारें सर, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, इंडिया बिल्कुल हमारा बड़ा फेवरेट है और हम इंडिया के साथ ही बैठना चाहते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। अब आप अपनी मर्जी से, अब आप नहीं बिठाना चाह रहे वो एक अलग इशू है, लेकिन ये कि हम इंडिया के साथ बैठना चाहते हैं और हरगिज हम इंडिया के लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे और ना ही
हमको ऐसा ऐसा कुछ कह रहे हैं इंडिया को। लेकिन सर अगर हम बात करें, जो अभी आपने रिसेंटली आपका एक बड़ा सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट हुआ है चंद्रयान का, तो क्या आप समझते हैं क्या रिएक्शन है वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, इंडियंस का तो खैर मुझे पता ही है, जाहिर है सब बहुत खुश हैं, लेकिन बाकी दुनिया से सर क्या रिएक्शन आया है? क्योंकि एक दो जगह मैंने देखा, चाहे वो बीबीसी हो जो कि एतराज कर रहा था, बीबीसी वर्ल्ड, वो एतराज कर रहे थे कि जितना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी, आपकी कंट्री में तो वैसे ही इतने गरीब हैं और ये है वो है। लेकिन अगर हम बीबीसी वर्ल्ड को ना भी सुने सर, बाकी कंट्रीज की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या? मैंने ऑस्ट्रेलिया का स्काई न्यूज़ देखा, चैनल 9 देखा और भी कई न्यूज़ चैनल देखे, सब जगह इफोरिया था, खुश थे लोग कि हमने कर दिया। साइंटिस्ट भी बहुत खुश थे कि यस व्हाट दे हैव अचीव्ड और व्हाट अस यानी इंडियंस हैव अचीव्ड इज जेन्युइनली रेयर एंड टफ। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को वो कर देना, क्या नाम है, डिस्प्ले कर देना, वो जो है वो ईजी नहीं है। और ये जो लोग हैं कि बीबीसी वर्ल्ड की जो गरीब है वो स्पेस पे नहीं जाएगा, ये बात हो गई कि जो गरीब है वो बड़े डिफिनेशन नहीं देखेगा, बड़े सपने नहीं देख सकता, ये इनका पॉइंट है कि जो गरीब है ये नहीं करेंगे तुम गरीबी से गरीबी हटाओ, ये करें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम इतना बड़ा सपना देख रहे हो। तो मैं इन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब इनमें से ज्यादातर लोग ये मानते थे कि अर्थ फ्लैट है तो हमारे यहाँ लोगों ने बता दिया था कि वो राउंड है। हमारे जो डेज ऑफ वीक होते हैं ना, उनके नाम इन ग्रहों के नाम पे है। बुध इज मरकरी, जो है रविवार यानी कि सन, फिर सोमवार भी कोई एक इंग्लिश में है उसका नाम है बोला, मंगल ग्रह का नाम है। आप सारे ग्रहों के नाम पे हैं भाई हमारे यहाँ देश। तो आप हमें कह रहे हो कि हम कौन होते हैं, ये आपको क्या लगता है एक दिन में आदमी पहुंच जाता है? अरे भाई यूनिवर्सिटी और इसरो जैसे यूनिवर्सिटियां जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाती होंगी और जो इसरो जैसे संस्थान तो बहुत खुले हुए हैं, पाकिस्तान में भी खुले हुए, क्यों नहीं पहुंच गए पाकिस्तान वाले? या कोई और दुनिया का जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है वो क्यों नहीं पहुंच गया? भैया हमारे डीएनए में था, साइंस हमें पता थी, हमने टेक्नोलॉजी अचीव की है। हमारे यहाँ शादियां भी कुंडली देख के होती थी, और कुंडली क्या होती है, वही ग्रहों की दशा की, ये ग्रह वहां है वो ग्रह वहां है, इसका तुम्हारे ऊपर ये असर पड़ेगा। जब आपका पैदा बर्थ होता है तो उसके वहां तुरंत कुंडली बनाई जाती है और उस कुंडली में ग्रहों की दशा बताते हैं कि ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा। तो हमें बता रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और हमें गरीब किया किसने? हमें तो गरीब कॉलोनाइजेशन ने किया। वरना आप जाकर के तो OECD की एक स्टडी आई थी जिसमें था कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 2000 साल की, उसमें उन्होंने बताया कि भाई इंडिया और चाइना टुगेदर मिलकर 55% ऑफ द GDP जो थी वर्ल्ड GDP को कंट्रीब्यूट करते थे। तो गरीब हमें किया कॉलोनाइजेशन ने, रिवर्स कॉलोनाइजेशन से हमारे यहाँ लूट किया, खसूट किया, और हमको आके शिक्षा दे रहे हैं कि आप गरीबी में पैसा मत लगाइए। हमारा हक है क्योंकि हमने बताया दुनिया को कि पृथ्वी गोल है, ये बताने वाली कम्युनिटी हम थे दुनिया में। तो इसलिए ये करते हैं इस तरीके के जो एक्सप्लेनेशन से दे शुड बी लाफ्ड ऑफ एंड लुक एट पिटी, इसकी सोच कितनी घटिया है। लेकिन सर आपके अपोजिशन भी तो और आपके यहाँ के भी कई लोग तो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि मुझे एज अ पाकिस्तानी मुझे सुनकर अच्छा नहीं लग रहा कि इतनी मेहनत है, इतनी हमारे यहाँ इतनी एक्साइटमेंट थी कि फवाद चौधरी साहब तक जो है वो मुबारकबादें देते फिर रहे थे। तो उसके ऊपर आपने कल देखा, हमने जैसे सेलिब्रेट किया, एक खुशी का माहौल था और अच्छा लग रहा था कि भारत ने ये अचीव किया है। तो फिर जो भारतीय भारत में रह रहे हैं वो क्यों नेगेटिव बात कर रहे हैं? भारत में रहने वाला भारत की सभ्यता से प्यार करेगा, ये कैसे हो जाता है? हर भारतीय तो, हमारे यहाँ तो हर आइडियोलॉजी को फ्री वो स्पेस है ना भाई। कार्ल मार्क्स कहता था इंडिया हैज नो हिस्ट्री, इंडिया हैज ओनली, इंडिया ओनली हैज ट्रेडिशंस, इट्स अ हिस्ट्रीलेस कंट्री। कार्ल मार्क्स कहता था कि इंडियन कल्चर मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, मस्ट बी एनहाइलेटेड, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट वर्दी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट गिवन देयर प्रिमिटिव लाइफस्टाइल। ये मैं आपको उसकी 1857 या 1856 का के आसपास उसकी वो आर्टिकल है जो उसने अमेरिका के किसी जर्नल के लिए लिखी थी, वो मैं आपको भेज दूंगा। सो पॉइंट ये कि इंडिया में कई लोग हैं जो कि जो फॉरेन आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं और उनको लगता है कि इंडिया में इकोनॉमिक रिवोल्यूशन लाना है या इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है तो उसके लिए हमें इंडिया का कल्चर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो आप इंसान को देखिए, यही भारत की यही खूबसूरती है कि भारत सबको स्पेस देता है, भारत उनको भी स्पेस देता है जो भारत में रहकर ये कहते हैं कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इट गिव्स स्पेस टू एवरीवन, दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर यूफोरिया और देयर डिरेक्शन इक्वली। जिसको खुशी हुआ वो खुशी रहे,
और जिसको दुख हुआ उनको भी अपना भावना एक्सप्रेस करने का अधिकार है, एंड इट्स अ फ्री सोसाइटी, सो नथिंग अगेंस्ट देम। तो सर आप इसकी सक्सेस का जो कहना चाहिए क्रेडिट है वो आप किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, साइंटिस्ट को देंगे, या आप समझते हैं कि इस अचीवमेंट से जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी और कुछ इस किस्म का शौक होगा कि हम इस फील्ड में जाएं और कुछ और अचीव करें, क्या ख्याल है आपका? और आपने कल कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम आप किसी को भेजने भी वाले हैं, वहीं मून के ऊपर आप किसी को भेज देंगे चंद्रयान में, तो किसको भेज रहे हैं सर ये भी जरा बताइए। देखिए आपका बहुत डीप क्वेश्चन आपने पूछा कि सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं, बहुत बहुत डीप क्वेश्चन है ये, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन टू आंसर, बट एज अ फिलोसोफर, एज अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एंड लॉ, मैं इसका क्रेडिट देता हूं उनको जिन्होंने भारतीय सभ्यता पे अपनी आस्था नहीं छोड़ी, ठीक है ना। देखिए जो भारतीय थे और बदल गए, जो भारतीय थे और उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति छोड़ दी, अपने कल्चर को बदल दिया, वो तो नहीं पहुंच पाए चांद पे। तो मैंने कल गाना सुन रहा था, जब ये बज रहा था तो कहीं पे किसी, कल जब ये सब हो रहा था तो मैंने गाना सुना, तलवारों पे सिर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके केसरी पहनने का समथिंग हमने ये पाया है, बट इट शुड बी लाइक दिस, तलवारों पे सिर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चंद्रयान 3 हमने चंद्रमा पे पहुंचाया, भारत को भारत